उमेश पाल हत्याकांड को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस हत्याकांड से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो बरेली जेल का है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 11 फरवरी का है, यानी उमेश पाल की हत्या से महज 13 दिन पहले का। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अतीक का बेटा असद गुड्डू मुस्लिम जेल में बंद अशरफ से मिलने पहुंचते हैं। 2 मिनट 10 सेकंड के इस वीडियो में जेल के कांस्टेबल सामान को रखते हुए नजर आते हैं। गेट से असद गुड्डू मुस्लिम विजय चौधरी उर्फ उस्मान और गुलाम समेत 9 लोग अंदर घुसते हैं। ना तो मुलाकाती रजिस्टर पर इनकी एंट्री कराई जाती है और ना ही हाथ पर जेल की मुहर लगाई जाती है। ना कोई चेकिंग होती है और ना कोई रोक टोक, बिल्कुल VIP वाली एंट्री होती है। और तो और पुलिस रिकॉर्ड में केवल असद की ID दर्ज है, जबकि अशरफ से मिलने कुल 9 लोग पहुंचे थे। हालांकि अशरफ के साथ मुलाकात का वीडियो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मुलाकात ऐसी जगह पर होती है जहां CCTV मौजूद नहीं है। ये मुलाकात करीब 2-2.5 घंटे तक चलती है। अब इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 6 आरोपी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अशरफ से मिलने के बाद हत्या की साजिश रची और 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि मिलने वालों में 3 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस मुलाकात को लेकर बरेली जेल प्रशासन पर सवाल उठे। आनन-फानन में जांच शुरू हुई तो जेल में हो रहे खेल का पर्दाफाश हुआ। आनन-फानन में जेलर और डेप्यूटी जेलर समेत 5 अधिकारियों को निलंबित किया गया। इसके अलावा 2 सिपाहियों को जेल भेज दिया गया, जबकि इस खेल में कई और लोग शामिल थे। बरेली जेल में ये खेल एक दिन से नहीं चल रहा था। अशरफ बरेली जेल में करीब 2.5 सालों से बंद था। उसे मिलने उसका साला सद्दाम अपने साथियों के साथ लगातार पहुंचता था। इस दौरान उसने डिप्टी जेलर से मिलकर सिपाहियों तक सभी से साठ गांठ कर ली थी। अब जेल में उनके बेरोक टोक आने जाने का रास्ता साफ था। तभी तो 11 फरवरी को किसी भी शख्स की चेकिंग नहीं होती है और ना ही किसी के हाथ में मुहर लगाई जाती है। 11 फरवरी को मुलाकात के बाद उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई। बताया जा रहा है कि 24 फरवरी से पहले भी 3 बार उमेश पाल को मारने का प्लान बना, लेकिन एन वक्त पर प्लान फेल हो गया। प्रयागराज से पकड़े गए आरोपियों के व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ था कि बरेली जेल से लगातार बातचीत हो रही थी, यानी प्रशासन की नाक के नीचे सब कुछ चलता रहा, लेकिन उन्हें कोई भनक तक नहीं लगी। अब इस वीडियो के सामने आने पर बरेली जेल प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जेल मैनुअल के मुताबिक एक ही ID पर इतने सारे लोग अशरफ से मिलने कैसे जा सकते हैं? सभी की अलग अलग ID क्यों नहीं मांगी गई? इसके अलावा मुलाकात का वक्त भी कुछ मिनटों का नहीं बल्कि करीब 2.5 घंटे का है। इस पर सवाल उठते हैं। इसके अलावा अशरफ से मिलने पहुंचे लोगों की तलाशी क्यों नहीं ली गई? इसके अलावा तमाम और सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।